हैप्पी दिवाली माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रेखा सोने में। तो आप लोगों ने दिवाली पर क्या क्या रेसिपीज बनाई, क्या क्या पकवान बनाए, मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो बनाई थी ये बहुत ही डिलीशियस सी मावा कचौरी, तो इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा और इसमें हम थोड़ा सा आटा मिक्स कर लेते हैं, हाफ कटोरी आटा। थोड़े से मैंने इसमें डाले एक चम्मच इलायची दाना और थोड़ा सा जो होता है मोटा इलायची दाना और बारीक वाली इलायची, ये मैंने थोड़ी सी इसमें कूट कर डाली है ताकि इसका थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए। मैदे में हम थोड़ा सा आटा इसलिए मिक्स करते हैं ताकि जो प्योर मैदा होता है वो हमें नुकसान नहीं करता है, आटा मिक्स करने से वो सही रहता है थोड़ा सा। अब हमें इसमें आधा कटोरी लगभग घी डालना है, शुद्ध घी। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मावा कचौरी होती है ये शुद्ध घी में ही बनाई जाती है। लगभग आधी कटोरी मैंने इसमें डाली है बारीक पीसी हुई चीनी, भूरा चीनी। आधा छोटा स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। आधी कटोरी मैंने इसमें डाली है दही। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी का मोयन हमें इतना डालना है कि इसकी मुठियाँ बनने लग जाएं। अगर मुठियाँ नहीं बनती है तो हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। घी का मोयन हमें थोड़ा अच्छा से इसमें डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। डो हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, जैसा हम समोसे का एकदम टाइट डो तैयार करते हैं, लेकिन कचौरी के लिए हम थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा लगाते हैं। अब हम इसकी फिलिंग के लिए एक चम्मच घी पैन में डालते हैं। इसमें हम मावे को भूनते हैं। ये हमारा घर में बनाया हुआ मावा है, तो जैसे ही हम इसको इसमें कढ़ाई में भूनेंगे, देखिए हमारा मावा भी जो है थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लग गया है, इसमें से घी निकलने लग गया है। मावा थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसमें इसको भूनना है। अब हमने इसमें डाली है आधी कटोरी ड्राई फ्रूट्स पीसे हुए, काजू बादाम अखरोट, थोड़े से हमने मोटे कूटे हुए ड्राई फ्रूट भी ऊपर से डाल दिए हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इलायची दाना बारीक कूट कर। लास्ट में इसको एकदम थोड़ा हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें 3-4 चम्मच हम पीसी हुई चीनी मिला देंगे, बूरा चीनी जो होती है वो मिक्स कर देते हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हमने जो डो तैयार करके हमने 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखा था, वो हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इसको हम बराबर भाग में इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। ये लोइयाँ बनाकर हम इसको थोड़ा हाथ से हम उंगलियों से इनको फैला देते हैं, चारों तरफ से पूड़ी के आकार का हम इसको बना लेते हैं। बीच में से हम इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे और किनारों पर से हम इनको दबाकर फैलाते हैं। मोटा हम इसलिए रखते हैं ताकि इसमें हम जब स्टफिंग डालते हैं, फिलिंग करते हैं इसमें, तो ये कचौरियाँ जो हमारी फटे नहीं। अब हम इसमें 1 या 1.5 चम्मच जितनी भी इसमें फिलिंग आती है उतनी इसमें दबा देते हैं। ये स्टफिंग करने के बाद हम इसको कचौरियों को आपस में मिलाकर इस तरह से इनकी बॉल्स बनाकर रख लेते हैं। हम सारी स्टफिंग इसमें डालकर एक साथ खूब सारी बॉल्स बना के रख लेते हैं। फिर हथेली पर इसको लेकर हम अपने हाथों से ऐसे धीरे धीरे इनको दबाएंगे ताकि इनके अंदर का जो मसाला है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। ये देखिए हमने ज़्यादा बड़ी कचौरियाँ नहीं बनाई हैं, मीडियम साइज़ की बनाई है। इस तरह से हम सारी बॉल्स बना कर रख लेते हैं, फिर एक साथ सबको हाथ से दबाकर इनको कचौरियों का आकार दे देते हैं। एक कढ़ाई में हम घी गरम करते हैं, तेल या घी कुछ भी गरम कर सकते हैं, लेकिन हम मावा कचौरी बनाने जा रहे हैं तो घी का यूज़ ही ज़्यादा, इसमें घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। एकदम फुल फ्लेम पर पहले हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम गैस को सिम कर देते हैं। धीरे धीरे गैस पर हम इनको
फ्राई करते हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी कचौरियाँ फूलकर तैयार हो गई हैं, एकदम सिम गैस पर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फिर हम इनको बीच में से अंगूठे से या चम्मच से किसी से भी इसके बीच में एक छेद कर देते हैं। ये हमने एक चीनी का सिरप बना के रखा है, लगभग एक तार की चाशनी हमने बनाई है, उसमें हम थोड़ी सी केसर और पीला जो रंग होता है खाने वाला वो डाल देते हैं। ये जो कचौरी हमने बना के रखी है इनमें हम ये ऊपर से चाशनी डाल देते हैं, जितनी आपकी इच्छा उतनी डाल सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती है कचौरियाँ। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस कचौरियाँ होती है, मावा कचौरी। ये कचौरियाँ आपको राजस्थान में ही खाने को मिलेगी, तो ये राजस्थानी मावा और चाशनी वाली कचौरी आप ज़रूर तैयार करना घर पे, और ये रेसिपी ज़रूर बना के बताना। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।